एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 27 मार्च और दिन है संडे। बट जो संडे है ना, वो मेरा संडे जैसा बीतने वाला नहीं है, बिकॉज मोमेंट नहीं है। मोमेंट सुबह सुबह ही चले गए हैं काम से, 7:30 के आसपास चले गए, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो अभी ही मैं ब्रेकफास्ट भी बना ली हूँ, बिकॉज़ बाबू है ना सो गया है, तो मैं सोची अभी बना लेती हूँ। मोमेंट है नहीं जो अगर उठ गया तो संभाल लेंगे, तो मैं इसलिए ब्रेकफास्ट बना ली हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट में है मेरा पोहा। आप लोग भी इंजॉय करो, देख ही सकते हो, सिर्फ इंजॉय तो मैं ही करूँगी, आप सिर्फ देख के इंजॉय करो, और अगर मन है तो बना के खा भी लो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, और आज का दिन तो ज़रूर इंजॉय करेंगे क्योंकि आज है संडे। तो आई नो ये ब्लॉग बाद में आएगा, बट ओके, आप फील कर लो कि हाँ संडे वाले दिन खूब सारा इंजॉय करना है फैमिली के साथ। ट्राई कीजिए फैमिली के साथ रहने का। मेरा सिचुएशन तो पता ही है, मोमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। तो मैं दूसरों को बोल सकती हूँ कि आप इंजॉय करो, तो मेरे साथ क्या है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ संडे को ही इंजॉय करना। जिस दिन मोमेंट का टाइम रहता है उस दिन हम इंजॉय कर लेते हैं अच्छे से, और वैसे तो इंजॉय करते ही रहते हैं, आपको पता ही है, थोड़ा टाइम में भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है लाइफ। तो इसी के साथ आज के दिन का शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। और वो पीछे दो सिलेंडर रखा हुआ है ना, वो दो सिलेंडर आई थिंक 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे मेरे घर में, वहाँ पे रखा हुआ एक सिलेंडर जो है मोमेंट के फ्रेंड का है, जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो आई थिंक कहीं चले गए हैं बाहर, तो वो आके नहीं ले जा पा रहे हैं। और दूसरा सिलेंडर जो है वो हमें यूटिलिटी में रखना है, तो मोमेंट बोले कि मैं रख दूंगा, वो गैस वाले जो भैया आते हैं ना उनको मत बोलो, मैं ही रख दूंगा। मैं नहीं बोली, और देख लीजिए कितना सिंसियरली काम करते हैं ना मोमेंट, देख लो। मैं उठा नहीं सकती, मैं उठा लेती तो मैं डेफिनेटली उठा के रख देती थी, इतना दिन तक वहाँ नहीं रहता था। बट मैं अभी नहीं वेट ज़्यादा उठाना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर तो बोली है कोई दिक्कत नहीं है, बट ना तो मेरी दीदी जो है ना वो बोली मुझे कि सिजेरियन हो जाता है ना आपका, तो आप लाइफ टाइम ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट मत करो। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, सभी चीज़ करते हैं, बट उनको ना एक ट्रेनर होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, तो उसके हिसाब से वो करते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं है, कैसे भी उठा लेते हैं ना। तो ऐसा दीदी का भी, मेरी दीदी का भी सिजेरियन ही हुआ था, और बहुत साल के बाद वो अभी बहुत सारा बकेट में पानी भर के बकेट उठाई थी, इस वजह से उनका फिर से ना वो बैक में पेन शुरू हो गया था। तो इसलिए बोल रही थी दीदी कि बेटर है अवॉइड करो, जब मजबूरी है तब तो करना ही है, बट ट्राई करो अवॉइड करने का, तो बेटर है मैं अवॉइड कर दूँ। उतना भी मजबूरी नहीं है कि इसको मैं जाके यूटिलिटी में रखूँ, इधर ही रहने दो, जब आएंगे तो रखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट एंड देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और मेरा बेटू देखिए आराम से सो रहा है, पूरा ओपन करके मजे से। ऑलरेडी ये 6:00 उठ के खेल चुका है एक बार, उसके बाद ये इसका स्लीपिंग आवर चल रहा है। तो इसको ना मैं झूला में रख लेती हूँ और जाती हूँ ऑफिस का काम करने के लिए। तो चलिए फिर। तो ये झूला में ना व्हील लगा हुआ है, तो मुझे बहुत इजी होता है एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाने में। वैसे मच्छर नहीं है, बट ना फैन चल रहा है, और मैं ना बाबू को कुछ भी ओढ़ाई नहीं हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं लगता है अभी, उसको गर्मी बहुत ज्यादा आ गई है। तो ये थोड़ा रहेगा ना तो हवा एकदम डायरेक्ट से नहीं जाएगा इसके ऊपर। तो चलिए आज के दिन का काम का शुरुआत करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं नहीं करती, छोड़ देती, बट मोमेंट ना गए हैं, और जब तक वो 3 आवर्स में वहाँ साइट पे पहुँचेंगे तब तक मुझे ना ड्राइंग्स फुटिंग जो होता है ना नीचे, कॉलम के नीचे जो फुटिंग होता है, जो ज़मीन के नीचे स्ट्रक्चर होता है जिसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वो मुझे डिज़ाइन करके मोमेंट को सेंड करना है, ताकि मोमेंट वहाँ पर ना मार्किंग करके आ सके अच्छे से। तो
मैं तो बोली थी मोमेंट को कर देने के लिए, मुझे कुछ बोल के नहीं गए हैं, सो मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर मोमेंट कर दिए होंगे तब तो मेरा काम इजी हो जाएगा, और नहीं किए होंगे तो मुझे करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो देखती हूँ। मेरा ना इसी वजह से फाइट होता है एक्चुअली मोमेंट के साथ, सीरियसली बताऊं। मैं बोली थी ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे डेट दे दिए हैं कि क्लाइंट्स आएंगे, मार्किंग करना है, देन वो दूसरा प्रोजेक्ट करके गए, मेरा वाला प्रोजेक्ट नहीं किए थे। कितना बदमाशी करते ना, मतलब मेरा क्या, दोनों प्रोजेक्ट हमारा ही है, बट जो प्रोजेक्ट मैं पकड़ी रहूँगी ना उसको नहीं देखेंगे ज़्यादा, और जो दूसरा खुद अपना जो रहता है ना उनका खुद से करते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट फटाक से कर लेते हैं। इतना बदमाश है ना। अब मैं उनके प्रोजेक्ट में उनको ना बताती हूँ। चूस चूस करके देखो तो, हाय मेरा बेटा, ओ भगवान मेरा बेटो, बाप रे कितना खुशी है इसको खड़ा होने के लिए। है शाम के 4:30 और मैं इसके साथ खेल रही हूँ क्योंकि ये लड़का नहीं सो रहा है और नहीं सोना भी चाहिए इसको। देखिए ऐसे करते ना इसको उठाने में बड़ा मजा आता है, देखिए बैठेगा नहीं डायरेक्ट उठ जाता है, इतना बदमाश है, बदमाश बेटा मेरा, गुड्डू वाला बदमाश बेटा है मेरा। चलो देखे तो, हाय रे बच्चा मेरा, चिन्नू बेटा, मेरा कुल्लू बेटा, मेरा टुमू 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 बेटा रे मेरा, चल बैठ, चल बैठो ऐसे, चलो बैठो ऐसे, चलो बैठो ऐसे, पिट्टी कर देगी अभी मम्मा, अभी पिट्टी करेगी मम्मा। देखो तो बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को हेलो हेलो, मम्मा के सब्सक्राइबर्स हेलो हेलो। रक्षित गुड मॉर्निंग। ओए बेटू गुड मॉर्निंग। ओए क्या देख रहा है बता रही है ऐसे। पहले भेज देंगे बट ना इधर 1 feet 6 inches की थी, 1 feet 3 inches करना इधर। ये वाला? हाँ। मूव की थी मैं किसी एक में, हाँ कर। बट कॉलम मूव नहीं हुआ है। कॉलम मूव नहीं हुआ करना। अच्छा एक लाइन ही है ना, वो लाइन तो कॉलम मूव कर सकते हैं ना। पे कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज बाबू छोड़ नहीं रहा था, वो बहुत परेशान कर रहा था, परेशान इन द सेंस उसको मन हो रहा था कि आप घुमाओ, खड़े हो करके एक जगह मत रहो, गोदी में लेके पूरा घुमाओ, तो उसको घुमाने में ही मैं बिजी हो गई थी और मोमेंट लोग भी बहुत लेट आए थे, रात को बहुत लेट आए थे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज मिल रही हूँ आप लोगों से। उसमें नाश्ता हो गया मेरा, तो मैं सोची ना कि अभी वॉक कर लेती हूँ, तो वॉक कर ली हूँ, अच्छे से स्वेटिंग आया, अभी अच्छा लग रहा है, स्वेटिंग आ रहा है ना तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जितने भी मेरे अंदर में डस्ट होंगे ना वो सारे निकल जा रहे हैं, तो कभी कभी अच्छा भी फील होता है स्वेटिंग आता है तो
बस मेरा वॉक हो गया है और बाबू सो रहा था तो भी जाती हूँ बाबू का सारा चीज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना ये वाला प्लांट है ना इसमें फ्लावर वाइट कलर का बहुत अच्छा सा आता है, तो ना ये मतलब कट करना था तो मम्मी बोली दो ब्रांचेस था इसका इधर से निकल रहा था, तो मम्मी ने एक कट करके गई थी और एक बोली ना बाद में कट करना जब इसमें से निकल जाएगा, तो इसमें से अच्छे से निकल रहा है। ये देखिए सॉरी ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं, तो ये देखिए अच्छे से आ रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद मैं ये वाला ब्रांच काट दूंगी तो फिर नीचे में ही पूरा अच्छे से घना घना रहेगा। और ये पान का भी ना इतना अच्छे से देखिए आ गया, और ये करी लीव्स भी बड़ा बड़ा हो गया, छोटा सा था बड़ा हो गया, सब भी मैं बॉटल रखी हुई हूँ ये कबूतर की वजह से। देखिए कहाँ जाना बेटू, कहाँ जाना है, देखो शे कैसे जा रहा है, वही मैं देख रही हूँ। ओए अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, पलटी खा गया बेटा एक ही बार में तुम तो। तो बेटू भी आज नाइट वॉक किया है टोपी लगा करके, क्योंकि हल्का हल्का हवा चल रहा है बाहर में ना, इसलिए टोपी पहना दिए। कितने दिन के बाद मोमेंट हम लोग नाइट वॉक किए ना, ये अंदर में था मेरे टम्मी में तब करती थी मैं। डिलीवरी के बाद कहाँ की हूँ, बाहर गई नहीं हूँ बहुत, इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। देखो 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 मम्मी कॉम्प्रोमाइज कर रही, देखो इसको बहुत नींद आ रही है। हाँ नींद आएगा ना उसको, इसलिए आप लोग गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट बेटू, गुड नाइट बोल दो बेटू। मम्मी मम्मी देखो, ओए मम्मा, ओए बोल बेटू, चलो चलो अब कर दो बाय बाय कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट, देखो तो। सो आज मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में ना मैं घूमती थी बाहर में, रात में मोमेंट साथ में घूमते थे, थोड़ा बात करते थे। आई थिंक डिलीवरी के बाद तो मैं गई ही नहीं हूँ बाहर बिकॉज ठंड था, और अब गर्मी आ गया है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आज मैं गई हूँ बाहर घूमने के लिए और मोमेंट भी साथ में गए। कितने दिन के बाद उनको कितना अच्छा लग रहा है पता है मोमेंट, थोड़ा देर ही आप बात किए घूम के तो एटलीस्ट नहीं तो बात ही नहीं करते थे एकदम से, आते हैं इधर उधर करते हैं और सो जाते हैं। और अब तो बेटू आ गया है तो फिर उसके में ही बिजी रहते हैं, मेरा तो कोई वो ही नहीं है, इसीलिए वॉक करना जरूरी है, उसी टाइम में थोड़ा सा बात भी करते हैं मेरे से। तो चलिए आज का व्लॉग का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका टाइम दे दिया ना, अभी बेटू को देना पड़ेगा ना, मुझे तो लाइफ टाइम टाइम देना पड़ेगा ना मम्मी, 100% है। तो फिर ये एक्स्ट्रा है मेरा वाला, मैं कट नहीं होना चाहिए बता रही हूँ, एक्स्ट्रा ऐड करो, मेरा रहना चाहिए। अच्छा हाँ, तो उसको तो मम्मी पापा दोनों हैं प्यार करने के लिए, तो मेरे पास आप ही हो। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर एंड करते हैं ब्लॉग का यहीं पे, जाते हैं सोने के लिए। चेतेश को भी नींद आ रहा है अब, तो उसको सुला देंगे फटाक से, सो जाएगा थोड़ा देर में। तो ये वाला जो सो जाता है ना तो बहुत रिलैक्स हो जाता है, मतलब रात में जो फर्स्ट नींद होता है ना उसका हो जाता है ना, तो लगता है हाँ अब रात भर हमको तंग नहीं करेगा, तो इतना अच्छा ना खुशी मिलता है ना। चलिए फिर गुड नाइट बाय, अपना ख्याल रखिए और मेरे सारे ब्लॉग को देखिए, सारे ब्लॉग को प्यार दीजिए और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टिल देन गुड नाइट बाय।